क्या क्या सोचा था कि गौरव के शहर में है, इतनी बढ़िया क्रिसमस निकलेगी, लेकिन आज 25th ऑफ दिसंबर है। सबसे पहले मैरी क्रिसमस टू ऑल ऑफ यू। आई होप कि आप सब हमेशा हंसते रहो, खुश रहो और आपके सपने पूरे हो और मेहनत करते रहो। तो आज काफ़ी बढ़िया दिन है बाहर, लेकिन स्नो नहीं है इस बार क्रिसमस में, बिल्कुल भी स्नो नहीं है यहाँ पर। तो हैलिफैक्स में, नोवा स्कोशिया में, आपको दिखाता हूँ मैं अभी साइड में, लेकिन ओंटारियो में जरूर है। लेकिन अभी तो शाम हो गई है, 3:30 हो गया, शाम का भी बस मैं निकलने लगा हूँ बाहर, देखते हैं क्या करते हैं आज। एनीवेज वेलकम बैक टू कंडा व्लॉग। मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, कमेंट करके जितना आपको कैसे लगी वीडियो। लेट्स स्टार्ट दिस ब्यूटीफुल डे विद दिस ब्यूटीफुल व्लॉग। Sleigh bells ringing, diamonds blinging, carols singing, favorite season. Sleigh bells ringing, diamonds blinging, carols singing, favorite season. They said, say, Nick, what you got up in that bag, yeah. I got racks, racks in my sack or in my bag, yeah. तो अभी बाहर देख रहे हो, ये देखो बिल्कुल भी स्नो नहीं है, थोड़ी थोड़ी सी वहां पर देखो ये फ्रीज हुई पड़ी है जो है थोड़ी सी, लेकिन वैसे तो बिल्कुल भी स्नो नहीं है इस बार। नहीं तो क्रिसमस क्यों मनाते हैं गोरे, क्योंकि उनको स्नो चाहिए होती है, काफी ज्यादा होती है, लेकिन इस बार तो सूखा पड़ा। अब लेकिन एक हिसाब से हमारे लिए बढ़िया भी है, क्योंकि मुझे स्नो पसंद भी नहीं है इतनी, लेकिन होनी चाहिए क्रिसमस, बस थोड़ी बहुत स्नो। तो वहां पर काफी है, ओंटारियो में थी स्नो, लेकिन यहाँ पर नहीं है। तो अभी बाहर निकलने लगे हैं, देखते हैं आज क्रिसमस पर हम क्या करते हैं, कहाँ पर जाते हैं और कैसे अपनी क्रिसमस मनाते हैं। तो अभी आज मौसम सही है, 3:37 हो गए शाम के, लेकिन 4 degrees वैसे टेम्परेचर है और फील्स लाइक 0 degrees है। तो ठंड है लेकिन इतनी ज्यादा नहीं है, जैसे पिछले 2-3 दिन -16 degrees -17 degrees फील्स लाइक रहा था। तो वो तो भाई खून जमा देने वाली सर्दी थी, तो बहुत ज्यादा ठंड थी उस दिन। तो ये देखो बाहर इतना बढ़िया मौसम हुआ है, धूप थी सारा दिन, अभी धूप चली गई है, लेकिन ठंड तो थी फिर भी, भले ही धूप हो या ना हो ठंड तो इतनी ही रहती है, धूप में भी सर्दी काफी होती है यहाँ पर बाहर। तो अभी देखते हैं कहाँ जाते हैं, अभी तो पहले जैयद को उठाने के लिए जा रहा हूँ मैं। क्रिसमस है आज, और सबसे गंदी बात जो मुझे यहाँ की लगती है, ऐसे हॉलीडेज होती है क्रिसमस वगैरह, सारा कुछ टोटली बंद होता है और बिल्कुल भी भीड़ नहीं है। टैरियो में तो फिर भी घूमने के लिए काफी जगह मिल जाती थी, जैसे टोरंटो चल गए, डाउनटाउन घूम लिया, क्रिसमस मार्केट होती थी, लेकिन यहाँ पर तो कुछ भी नहीं है और बिल्कुल ही खाली। एक मुझे डिसएडवांटेज लगती है ये वाली यहाँ पर नोवा स्कोशिया में रहने की, जो मुझे बहुत गंदी बात लगती है, क्योंकि कभी कभी बहुत मन होता है घूमने का, भीड़ वाली जगह पर जाने का, लेकिन कोई जगह नहीं मिलती यहाँ पर। अभी जैयद को उठाने के लिए आया हूँ, सड़कें भाई खाली पड़ी हुई है, खाली है, देखना जरा कितनी ज्यादा, मतलब बिल्कुल भी भीड़ नहीं है। आज सैटरडे है, सैटरडे को भरा होता है, डाउनटाउन है ये हैलिफैक्स का, और डाउनटाउन तो भरा होता है सैटरडे को, लेकिन ये अभी क्रिसमस है ना, तो क्रिसमस हॉलीडेज में कोई भी बाहर नहीं निकलता, सभी चिल करते हैं घर पे बैठकर अपनी फैमिली के साथ, लेकिन हमें इंडियंस तो, हमारी फैमिली तो इंडिया में है, तो फिर हम कहाँ पर चिल करें ना। सोचा था कि कुछ होगा बाहर घूमेंगे फिरेंगे, लेकिन कुछ है ही नहीं। तो अभी जैयद को उठाते हैं, फिर देखते हैं कि कहाँ जाना है और कहाँ चले फिर आगे। बस अभी आएगा वो, अभी मैं बाहर निकल कर जरा एक दो पिक्चर्स क्लिक करवाऊंगा, बस फिर चलेंगे हम, निकलेंगे यहाँ से। तो अभी देख रहे हैं कि कहाँ पर जाकर आए, अभी भाई को उठाया ही है हमने, कुछ भी लेकिन नहीं मिल रहा हैलिफैक्स में, यही एक पंगा है बस, यहाँ पर कुछ घूमने को नहीं मिलता, बस हैलिफैक्स ही है। पूरे नोवा स्कोशिया में, अटलांटिक प्रोविंसी में यहाँ पर हम घूम सकते हैं, लेकिन हैलिफैक्स में तो हम हैं ऑलरेडी, या तो पहले से ही हमने घुमा हुआ है सारा, तो कुछ भी नहीं मिलता। दिस इज डिसएडवांटेज, बहुत बड़ी डिसएडवांटेज है यहाँ पे रहने की। देखते हैं, चलो अभी एक जगह ढूंढी है डार्टमाउथ वाली साइड, शैनन पार्क करके वहां पर जाकर देखते हैं। 10-15 मिनट की ड्राइव करके आए, कह रहे थे शैनन पार्क देखा था, लेकिन देखना जरा क्या है, कहाँ पर लेकर आया हमें गूगल मैप, समझ नहीं आ रहा अब क्या करें। क्रिसमस है आज और कहाँ पर जाएं, कहाँ पे जाकर घूमें, कुछ भी समझ नहीं आ रहा। मतलब जैसा आप इंडिया में बैठकर सोचते हो ना कि क्रिसमस बाहर ऐसी होती है वैसी होती है, भीड़ ये सब, वैसा होता नहीं है असल में, खाली होता है, लोग घर पे बैठते हैं अपने। हमारे इंडिया में भीड़ होती है क्रिसमस वाले दिन, सभी बाहर निकले होते हैं बाजारों में। मिला कुछ भाई? ढूंढ रहा हूँ भाई। 4:10 हो गए हैं, पूरे 5 बजे तक अंधेरा हो जाएगा यहाँ पर, 2 degrees टेम्परेचर है। Yeah.
तो अभी आए हैं डार्टमाउथ के डाउनटाउन की तरफ। हम ये देख रहे हो, ये है डार्टमाउथ का डाउनटाउन का जो फेरी स्टेशन है ना डार्टमाउथ का, वहाँ पर है। अभी कुछ और तो है नहीं यहाँ पर देखने के लिए, दो जगह है गर्मियों में और भी सुंदर होती है। वो सामने आप देख रहे होंगे, ये है फेरी। अब ये वाली फेरी जाती है डार्टमाउथ से हैलिफैक्स, लेकिन ये आज बंद है क्योंकि आज हॉलीडे है ना, क्रिसमस हॉलीडे, इसलिए सारा कुछ बंद है, टोटली सारा कुछ बंद है आज। और ये सारा का सारा है समुंदर, और वो सामने आप देख रहे हो वो है हैलिफैक्स। बस इतनी सी बिल्डिंग्स है यहाँ पर, मतलब टोरंटो के जैसा नहीं है कि बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स है, जैसे आप सामने देख रहे हो ना ये सारी बिल्डिंग्स है हैलिफैक्स की, बस और कुछ खास है नहीं यहाँ पर। तो अभी हम उड़ाने लगे हैं ड्रोन, डार्टमाउथ आ गए हैं हम। तो अभी ड्रोन मैंने सोचा उड़ा ले, अंधेरा हो जाएगा क्योंकि अभी 5-10 मिनट में, तो आई होप कि अभी बढ़िया फुटेज बनेगी इसमें। देखते हैं हाफ में उड़ सकता है या नहीं। ये ऊपर भाई इधर रख दो भाई, मेरे ड्रोन की वीडियो बनाऊंगा। अभी ये इसको हाथ में से उड़ाने लगे हैं हम, डर लग रहा है उड़ जाएगा भाई ड्रोन। भाई ऊपर से अगर हम टोरंटो वगैरह में हो ना, क्योंकि वहाँ पर इंडियंस काफ़ी ज़्यादा हैं, तो फिर नायग्रा फॉल्स, टोरंटो डाउनटाउन, वहाँ पर भीड़ लगी रहती है। मोस्टली इंडियंस ही होते हैं क्रिसमस वाले सीज़न में भी, लेकिन भीड़ वहाँ पर काफ़ी होती है और सजावट बहुत ज़्यादा होती है सबसे बड़ी बात। लेकिन यहाँ पर कुछ भी नहीं है और ठंड बहुत ज़्यादा अभी लग रही है मुझे। मैं भी अभी गाड़ी में जा रहा हूँ, सही है तो गाड़ी में बैठा है। तो अभी लाइट्स वगैरह देख कर आते हैं हैलिफैक्स डाउनटाउन में, अगर कहीं दिखे तो, अगर कोई है। डिनर वगैरह करने जाएंगे मे बी। भाई सही हो? ओह यस। कितनी ठंड लग रही है? बहुत सारी। बहुत ठंड है बाहर तो, फ्रीजिंग टेम्परेचर। अभी आज तो फिर भी सही है, अभी 2-3 दिन पहले हम आए थे लाइट्स देखने के लिए हैलिफैक्स डाउनटाउन, उस वक्त टेम्परेचर था -16 degrees। भाई बाहर 1 मिनट भी खड़ा नहीं हुआ गया बाहर। आज तो देखो कितना 1 degree टेम्परेचर है बाहर। वैसे तो टेम्परेचर -7 degrees हुआ है, लेकिन फील्स लाइक -13 or 14 degrees है इस वक्त। और 9:25 हो गए हैं रात के यहाँ पर। मैं बहुत 2-3 हफ्तों के बाद मैं अपनी गाड़ी निकाल रहा हूँ और पूरी की पूरी गाड़ी मेरी फ्रीज हुई पड़ी है यहाँ पर। ये देखो ये आगे यहाँ पर भी आइस जमी हुई है, शीशों पर भी देखना, मिरर पर, विंडशील्ड फुल, ये आइस हुई पड़ी है इस पर। ये अभी साफ भी नहीं हो रही क्योंकि ये मैंने अभी जब हीट होगी गाड़ी में ना, उसके बाद ही ये सारा कुछ साफ होगा। तो अभी आप ये वाला घर देख रहे हो, अभी ये जो घर है ना ये हैलिफैक्स में है, जिसकी वजह से हैलिफैक्स में क्रिसमस काफ़ी फेमस है। ये लोग हर क्रिसमस में अपना घर सजाते हैं और इतना बढ़िया ये घर सजाते हैं ना, दो घर हैं ये, दोनों के दोनों घर इतने ज़्यादा बढ़िया सजाते हैं कि आपको क्या बताऊँ मैं। और बहुत ज़्यादा पैसा लगाया होता है इन्होंने घर पर, घर को सजाने के लिए क्रिसमस पर, और लोग दूर दूर से इनके घर देखने के लिए आते हैं। भीड़ होती है क्रिसमस वाले दिन, इनके घर के बाहर बहुत ज़्यादा लोग होते हैं, लेकिन इतने ज़्यादा सुंदर लगते हैं ना, मैं आपको बता नहीं सकता कितना शानदार लगता है। कितना
कितना सुंदर लग रहा है, सारी लाइट्स लगाई हुई हैं इन्होंने क्रिसमस की वजह से। सारे के सारे रेस्टोरेंट्स बंद है, मतलब सारे सारे एक भी रेस्टोरेंट ओपन नहीं है। और अभी हमने एक एक रेस्टोरेंट ढूंढा है बड़ी मुश्किल से, इंडियन रेस्टोरेंट मिर्ची तंदूर करके है, और वो ये रहा, यहाँ यहीं पे है ये रहा। लेकिन मुझे नहीं पता ये रेस्टोरेंट कैसा होगा, बढ़िया होगा या नहीं, लेकिन अभी हमें ट्राई करना पड़ेगा। क्या क्या सोचा था कि गौरव के शहर में इतनी बढ़िया क्रिसमस निकलेगी, लेकिन अनएक्सपेक्टेड। कितना बढ़िया लगाया हुआ है यहाँ पे इन्होंने, देखो ये है हैलिफैक्स का डार्टमाउथ, ये हैलिफैक्स का डाउनटाउन, दिख रहा है आपको कोई बंदा यहाँ पे हमारे अलावा? ये देखो, सारा कुछ बंद है। ये स्ट्रीट ना ड्रंक फूड की है, ड्रंक फूड की, हाँ, जो दारू वगैरह भी, दारू वगैरह, क्योंकि वो आगल स्ट्रीट है ना, सारे पूरे दारू रेस्टोरेंट्स, आई मीन बार्स पब्स सब हैं। तो ये स्ट्रीट पूरे इधर विलीज, बरीटो जैक्स, स्मोक पुटीनरी, तो ये सब ना रात के 3-4 बजे तक खुले रहते हैं, तो सारे लड़के लड़कियाँ जो आके पी के आके इधर। यहाँ पे दारू वगैरह भी काफी चलती है ना इसलिए, ओके, तो बार्स वगैरह भी यहाँ पर बहुत है ना इसलिए। और बाकी वो रेस्टोरेंट वहाँ पर अभी हम जा रहे हैं, पता नहीं कैसा होगा, उन्होंने कहा था 50% तक अभी कैपेसिटी होगी है यहाँ पर रेस्टोरेंट्स की, तो देखते हैं हमें जगह मिलती है कि नहीं बैठने के लिए। ये रे फ्राइड राइस, चिकन फ्राइड राइस है ना भाई, चिकन फ्राइड राइस हमने मंगवाए हैं, $12-13 के थे समथिंग, देखते हैं कैसे हैं। एक्साइटेड भाई? या स्टील की प्लेट्स है, जैसे इंडिया में हमारे घर में स्टील की प्लेट्स आती है। आई जस्ट केम होम, बहुत ज्यादा ठंड थी बाहर, लेकिन इतनी नहीं, 2 डिग्री टेम्परेचर है, तो 2 डिग्री टेम्परेचर में हमारा बुरा हाल है। अभी अभी मैंने कैलगरी का टेम्परेचर किया, और कैलगरी में पता कितना टेम्परेचर हुआ है इस वक्त, -27 degrees, और यहाँ पर हमारे 2 डिग्री टेम्परेचर है, उसमें बुरा हाल हो गया, बाहर 10 मिनट भी खड़े नहीं हुआ जा रहा था इतनी ठंड में। मैं आपको बिल दिखा देता हूँ कितने पैसे लगे, ये देखो, एक चिकन फ्राइड राइस किराए से $14 के, गार्लिक बटर नान था एक $3.50 का, बटर नान था एक $3 का, चिकन विंडालू था $15 का, गुलाब जामुन $4, तो टोटल मिलाकर कुछ $45.40 लगे थे टैक्सीज वगैरह मिलाकर। बहुत बढ़िया था फूड, मतलब पहली बार मैं ये वाले रेस्टोरेंट पर गया था, लेकिन मुझे काफी बढ़िया फूड लगा और पसंद आया काफी। जो चिकन विंडालू था ना, ओ माय गॉड, इतना ज्यादा स्पाइसी था, मान भी नहीं सकते इतना ज्यादा स्पाइसी, लेकिन मजा आया खाकर। उसके बाद गुलाब जामुन खा ली थी, तो सही हो गया था।